नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका महासंग्राम में। काफी गहन चिंतन और मंथन के बाद अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि कल नॉमिनेशन के वक्त पता चल जाएगा कन्नौज से कौन चुनाव लड़ रहा है। दरअसल ये जवाब अखिलेश यादव ने उस सवाल के बदले दिया जिसमें पूछा गया कि क्या तेज प्रताप की जगह अखिलेश ही चुनाव लड़ेंगे। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। अखिलेश यादव के इस बयान के मायने क्या हैं, ये भी समझते हैं। कन्नौज के जंगे मैदान में ये तो तय है कि उम्मीदवार सैफई परिवार से ही होगा, लेकिन अखिलेश या तेज प्रताप, इस पर पार्टी अध्यक्ष के बयान से अटकलें तेज हो गई हैं। अखिलेश कन्नौज से चुनाव लड़ने की चर्चा है, क्या लगता है कि क्या तेज प्रताप लड़ेंगे या आप भी कहीं से फिर लड़ेंगे? देखिए, जब नॉमिनेशन होगा तो आपको खुद पता लग जाएगा जी। अरे तुम रोल करो। नॉमिनेशन होगा तो आपको पता लग जाएगा और हो सकता है नॉमिनेशन से पहले ही आपकी जानकारी हो। दो दिन पहले कन्नौज से तेज प्रताप यादव के नाम का आधिकारिक ऐलान और ठीक दो दिन बाद कन्नौज से अखिलेश यादव के नाम की चर्चा। कन्फ्यूजन है या रणनीति? क्या समाजवादी पार्टी प्रत्याशी बदलने की होड़ में नया गेम प्लान कर रही है? क्योंकि कन्नौज से टिकट मिलने के बाद जहां अखिलेश के भतीजे तेज प्रताप यादव चुनावी रैली में व्यस्त हो गए, वहीं अखिलेश के एक बयान ने पूरा गणित ही बिगाड़ दिया। समाजवादी पार्टी की लिस्ट उठा के देख लीजिए और भाजपा की देखिए, और जितने टिकट समाजवादी पार्टी ने दिए हैं बैकवर्ड में और सभी जातियों का जो समायोजन किया है, वहीं भाजपा ने तो केवल जाति विशेष को टिकट देने का काम किया है। और जहां तक बात रही परिवारवाद की, तो बीजेपी में जितने नेता हैं, उनके परिवार जितने लोग हैं, इतनी बड़ी लिस्ट है कि शायद कई पन्ने भर जाएंगे अगर उस लिस्ट को आप देखेंगे। इतने सारे टिकट उन्होंने दिए अपनी पार्टी में। क्या अखिलेश यादव 24 का रुझान भांप चुके हैं? क्या अखिलेश यादव को भतीजे पर भरोसा नहीं? क्योंकि जो लोकसभा सीट कभी समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट थी, अब वो सीट 2019 में बीजेपी ने झटक ली, तो फिर 2024 में अखिलेश यादव के लिए चुनौती और बढ़ गई। और ताजा हालात को देखते हुए अखिलेश यादव ने पुराने पैटर्न को सेट करने की कोशिश की। बार बार बदल रहे फैसले के तहत कन्नौज से पहले तेज प्रताप यादव, अब अखिलेश यादव के नाम की चर्चा। बदायूं में पहले शिपाल यादव, फिर आदित्य यादव को टिकट। मुरादाबाद में पहले एसटी हसन, फिर रुचिवीरा को टिकट। मेरठ में पहले भानु प्रताप, फिर अतुल प्रधान, अब सुनीता वर्मा चुनाव लड़ रही है। बार बार बदलते फैसले के तहत अब कन्नौज में पत्नी डिंपल का बदला लेने के लिए खुद अखिलेश यादव सुब्रत पाठक के सामने दो दो हाथ करने की तैयारी में है, जिस पर सुब्रत पाठक ने भी कटाक्ष किया है। नहीं, इसमें देखना कि हम तो पहले अखिलेश यादव जी से कहे थे कि आप चुनाव लड़िए, आके आपके अलावा कोई चुनाव लड़ ही नहीं सकता कन्नौज में। और शायद उनको समझ, उनको बड़ा घमंड था कि नहीं, हम किसी को भेज देंगे, वो लड़ जाएगा, जीत जाएगा। और जबकि हमने इनको कहा था कि आप अपने सैफई से भी किसी को भेज दोगे तो भी उसकी जमानत भी जब्त हो जाएगी। अखिलेश, यहाँ से कोई लड़ ही नहीं सकता आपके खिलाफ, आप आइए यहाँ से लड़िए। और मुझे अच्छा लग रहा है कि अखिलेश मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने आ रहे हैं, और उनका ये घमंड कि किसी को भी मेरे खिलाफ लड़ा के जिता देंगे, उनका घमंड टूट रहा है। और वो समझते थे कि यदि तेज प्रताप यादव को यहाँ से चुनाव लड़ाया तो समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी और उनकी पार्टी के 80% मतदाता और कार्यकर्ता मेरे साथ खड़े हो जाएंगे। अखिलेश साल 2000 में पहली बार कन्नौज से सांसद बने थे। ये सीट उनके पिता और तत्कालीन पार्टी मुखिया मुलायम सिंह यादव के इस्तीफे के कारण खाली हुई थी। मुलायम संभल और कन्नौज दोनों जगह से सांसद चुने गए थे। उन्होंने संभल बरकरार रखते हुए कन्नौज से अखिलेश की सियासी पारी शुरू करवाई और अब 2024 में उसी परंपरा को बरकरार रखने के लिए खुद अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। चलिए बात कांग्रेस की बढ़ती परेशानी की कर ले। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पीएम मोदी ने संपत्ति बंटवारे के जिस पॉइंट को पकड़ा था, उसी मुद्दे पर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने एक ऐसा बयान दिया कि सियासी गलियारों में बवाल मच गया। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक और सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं ने कांग्रेस की मानसिकता पर सवाल खड़े किए और बताया कि कैसे कांग्रेस के मंसूबे बेहद ही खतरनाक हैं। If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. But we get nothing. Sam Pitrodha
कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। देश की सियासत में मंगलसूत्र और संपत्ति बंटवारे की लड़ाई विरासत टैक्स पर आ चुकी है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में पीएम मोदी ने संपत्ति बंटवारे के जिस पॉइंट को पकड़ा, उसी पॉइंट पर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने ऐसा बयान दिया कि सियासी गलियारों में बवाल मच गया। सबसे पहले सुनाते हैं कि आखिर सैम पित्रोदा ने क्या कहा। देयर इज अ इनहेरिटेंस टैक्स, सो इफ लेट्स से वन हैज $100 million वर्थ ऑफ वेल्थ एंड व्हेन ही डाइज he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth, you are leaving now, you must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India you don't have that. दरअसल सैम पित्रोदा ने अमेरिका में चलने वाले विरासत टैक्स का जिक्र किया है और कहा है कि जैसे अमेरिका में किसी की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का 55% हिस्सा सरकार ले लेती है, ठीक वैसे ही चर्चा हिंदुस्तान में भी होनी चाहिए। और इसी आधार पर सैम पित्रोदा धन के बंटवारे की बात कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के बयान की टाइमिंग 24 के चुनावी रिंग में बिल्कुल फिट बैठ चुकी है और पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक अब कांग्रेस की मानसिकता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। जिनकी अहम भूमिका है वो सैम पित्रोदा का बयान कि संपत्ति के बंटवारे पर विचार होना चाहिए। अमेरिका का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि 55% संपत्ति सरकारी खजाने में जाती है। अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई कि हमारा मकसद ये नहीं है। मैसेज साफ है, क्योंकि कांग्रेस के जिस घोषणा पत्र के पॉइंट को प्रधानमंत्री हर मंच से उठा रहे हैं, देश की जनता को आगाह कर रहे हैं, संपत्ति बंटवारे की सोची समझी नीति पर हमला कर रहे हैं, उसे सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स वाले बयान ने और तूल दे दिया, जिसके बाद अब बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आ चुकी है। वो कह रहे हैं कि हम संपत्ति, लोगों की संपत्ति का सर्वे करवाएंगे और संपत्ति सर्वे करके फिर उस संपत्ति को अपने अनुसार फिर उसका बंदर बांट करेंगे। यानी पहले देश के संसाधनों पर लूटपाट, याद करिए यूपीए सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपने एक अभिभाषण में इस बात का उल्लेख किया था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। हम ये कहते हैं कि जो 1,000 करोड़, 1,00,000 करोड़, 2 करोड़, लाखों करोड़ या हजारों सैकड़ों करोड़ जिनके पास संपत्ति है, वो संपत्ति से टैक्स लेकर के 80 करोड़ जो गरीबों को 5 किलो मुफ्त राशन पर मोदी जी जिंदा कर रहे हैं, इनका भी भला हो जाए। यानी जो सैम पित्रोदा कह रहे हैं, सैद्धांतिक रूप से आप भी उस बात का समर्थन करते हैं? भैया बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, दे लव अमेरिका, अमेरिकन इकोनॉमी, लेकिन यहाँ जब आ गया तो जबरदस्ती कर रहे हैं। यानी संपत्ति बंटवारे से चढ़ा सियासी पारा दूसरे चरण के रण में हिट साबित होने वाला है, और तब इसे और बल मिल जाता है जब एक बयान के बाद कमाई पर सियासी लड़ाई शुरू हो जाती है और इसकी भनक लगने के बाद कांग्रेस सैम पित्रोदा के बयान से पल्ला झाड़ लेती है।
ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। अमेठी की बात कर लेते हैं, जहां पर पांचवें चरण में वोटिंग होनी है। अमेठी में बीजेपी ने स्मृति ईरानी को मैदान में उतारा है। कांग्रेस से कौन होगा उम्मीदवार, इसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। अब अमेठी में रॉबर्ट वाड्रा के लिए पोस्टर लगने लगे हैं। अमेठी के कांग्रेस कार्यालय और गौरीगंज से कांग्रेस कार्यालय समेत कई जगहों पर रॉबर्ट वाड्रा को अमेठी से चुनाव लड़वाने की मांग हो रही है। पोस्टर के जरिए ये मांग हो रही है। पोस्टर में लिखा गया है कि अमेठी की जनता करे पुकार, रॉबर्ट वाड्रा अब की बात। देखना है कि क्या कांग्रेस वाकई यही फैसला लेती है। तो अमेठी में रॉबर्ट वाड्रा को लेकर पोस्टर लगने लगे हैं, जिसे लेकर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर निशाना साधा। अमेठी वालों, अमेठी के किसानों, अपनी जमीन जायदाद के कागज को बचा के रखना। अब रॉबर्ट वाड्रा आने वाले हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये कांग्रेस पार्टी के पोस्टर कह रहे हैं। भैया तो डर चुके हैं और कुछ लोग रायबरेली का मैदान भी छोड़ चुके हैं, पर अमेठी में दामाद जी को भेजने की तैयारी हो रही है। मतलब कि राहुल जी भी मानते हैं कि अमेठी जाने की उनकी स्थिति नहीं है, क्योंकि वहां पर रायबरेली में और पूरे उत्तर प्रदेश में इनकी राजनीतिक विरासत ही खत्म हो चुकी है। कुछ दिनों पहले खुद रॉबर्ट वाड्रा ने भी अपनी ये इच्छा जाहिर की थी कि अगर अमेठी से उन्हें चुनाव मैदान में उतारा जाता है तो उसके लिए वो तैयार हैं। हालांकि अमेठी की जनता इसे लेकर क्या कह रही है, ये भी हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। जैसे जैसे सूरज की तपिश बढ़ रही है, वैसे वैसे अमेठी में सियासी तापमान भी बढ़ रहा है। अमेठी में आप देख सकते हैं किस तरह से अमेठी की जनता करे पुकार, रॉबर्ट वाड्रा अब की बार, इसको लेकर के यहां पर पोस्टर लगाए गए हैं। और इस तरह के पोस्टर कई जगह लगाए गए हैं अमेठी में। अमेठी लोकसभा सीट पर जिस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर लगाए गए हैं, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस के पास कोई प्रत्याशी बचा नहीं है। राहुल गांधी की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि अमेठी से चुनाव लड़ा जाए, इसलिए ये भी एक सगुफा है कांग्रेस का। और एक मुझे याद है, जब चिड़िया फंसाने वाले लोग होते हैं, वो एक पहले मुल्लही बांधते हैं वहाँ पर, तो इसे चिड़िया फंसती। तो ये हमको तो लगता है उसी तरह के हैं, इनका कोई यहाँ अस्तित्व तो नहीं है। और रॉबर्ट वाड्रा लड़ जाएंगे तब तो हम 8 लाख पार। कैसे देख रहे हैं इसको आप? अरे राहुल गांधी जीजा यहाँ से लड़ेंगे नहीं चुनाव, ये फर्जी पोस्टर लगाया गया है यहाँ पर। क्या कहते हैं, अभी गांधी परिवार के पास कोई, वो कांग्रेस के पास अभी कोई उम्मीदवार ही नहीं है। इधर दूसरे चरण के लिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, और आज मथुरा में बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी ने रोड शो किया। महाराजा अग्रसेन की मूर्ति पर माल्यार्पण के साथ रोड शो की शुरुआत हुई। रोड शो में विधायक श्रीकांत शर्मा समेत बीजेपी के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। जगह जगह लोगों ने हेमा मालिनी का स्वागत किया। चुनाव बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा हुआ। आज लास्ट डे है तो मैं मथुरा में, कल हमने वृंदावन में किया था रोड शो, बहुत प्यार मान सम्मान मिला। आज हम यहाँ पे हैं, हम अपील यही कर रहे हैं कि हमारे मोदी जी और योगी जी ने पूरा देश के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए जितना काम किया है, और उसकी वजह से हम भी ब्रज के लिए बहुत काम मेरे से भी हुआ है, इसीलिए अपील कर रहे हैं कि हमें वापस तीसरी बार मुझे चुनने के लिए, मतदान देने के लिए। इधर अलीगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी सतीश गौतम ने एक बार फिर जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी बड़े मार्जिन से ये सीट जीतने वाली है, और साथ ही उन्होंने कहा कि अनुपम मिश्रा के साथ सतीश गौतम की एक्सक्लूसिव बातचीत आपको सुनाते हैं। चुनाव प्रचार थमने जा रहा है, उससे पहले बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सतीश गौतम यहाँ पर है। सतीश जी, प्रचार कुछ घंटों बाद थम जाएगा, क्या लग रहा है, एक बार फिर जनता का भरोसा जीत पाएंगे आप? जन सैलाब, हम तो दोनों भाई साथ हैं, लोग दोनों भाजपा, बचाई कुछ नहीं है किसी को। ये कहा जा रहा है कि अलीगढ़ में इस बार ट्रायंगुलर फाइट है, त्रिकोणीय मुकाबला है। कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं, एक तरफा है,
अलीगढ़ 4 लाख पार और पूरा देश 400 पार। इस तरीके से अलीगढ़ में आपने 2 बार चुन करके काम किए, इस बार क्या भरोसा, विजन क्या आपका? मैं बता तो देखिए, जीवन में रखिए, सबका साथ सबका विकास करिए, वो दिखाई देता। नहीं, आपने क्या काम किया जनता के बीच, ऐसे कौन से काम है जो आप बताना चाहेंगे? एक तो जाट श्रोमणी राजा महेंद्र प्रताप के नाम से यूनिवर्सिटी, डिफेंस कॉरिडोर, हाईवे हमारे 6 लेन हो 4 लेन हो, ये हाईवे दी हमने, आईटीआई कॉलेज दी, पॉलिटेक कॉलेज दी हमने, अपना अटल आवासीय विद्यालय दिया, चारों तरफ 70 साल में जो काम नहीं हुए वो हमने 10 साल में काम किया। सवाल ये होता है कि अलीगढ़ में ताला का मामला है, ODOP में अभी हमने देखा था, प्रधानमंत्री में भी जब रैली को संबोधित किया था, हाँ। तो लग रहा है कि युवा वोटर या तमाम जो महिला वोटर हैं, क्योंकि मुस्लिम आबादी भी बड़ी संख्या में है, 15% 20% मुस्लिम बहनें वोट कर रही हैं, पहली बार 3 तलाक से मुक्ति मिली है, पहली बार उनको राशन मिला, मकान मिला, सोलर मिला, सब कुछ उन्हें मिले, गैस मिली, सब कुछ मिला, वो क्यों नहीं वोट करेंगे? सतीश गौतम के लोग अलीगढ़ पे विश्वास रखते हैं, अलीगढ़ का सतीश गौतम में विश्वास रखता है आप कह रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये, इस बार मुकाबला आप BSP से मान रहे हैं, समाजवादी पार्टी? किसी से नहीं है, सब आंधी मुड़ जाएंगे। ये सतीश गौतम है कि और सब यहाँ पर इस आंधी में मुड़ जाएंगे। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ अनुपम मिश्रा, News 18 अलीगढ़। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है।